अस्सलामुअलैकुम एसएलएस स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 10 में इस्लामियात का काम कॉपी पर करना है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी निकालें, मार्जिन लाइन ड्रा करें और डेट डिमेंशन करें। आज हमारे पास जो डेट है वो है 22 जून। जमात का काम, दिन हमारे पास है पी। काम हमने करना है 1 क्लास सवाल और जवाब। हमने लेक्चर नंबर 9 में हज़रत मोहम्मद के सवाल नंबर 1 तक 3 किए थे, आज हमने 4 तक 6 करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने सबक की हेडिंग देंगे। सीन बे का वक्त सबक, सीन के 3 शोशे, बे उसके साथ जुड़ेगा और फिर का सबक नंबर 7। इसका उन्वान है, उन्वान 2 डॉट लगाएंगे, उन्वान आगे रखेंगे, हजरत एज हजरत रत हजरत मीम है मीन हम मीम दल मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल जवाब, सवाल नंबर 4 हमारे पास है, हमारे नबी की वालदा का क्या नाम है। हे मिमल मारे बढ़िए रे हमारे नून में छोटिए बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या छोटिए की वाल वाल लाम दाले दा वालदा क्या फलिफ का क्या फेल या क्या नून अलिफ नाम मीम नाम ये बढ़िए है। एंड पे लगाएंगे क्वेश्चन, सवालिया निशान। जवाब में हम लिखेंगे जी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का क्या नाम है। हमारे नबी की वालदा का नाम हजरत आमना है। ठीक है, हे मीम अलिफ मा रे बढ़िए रे हमारे नून भी छोटिए बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या छोटिए की वाल वाला दाले दा वालदा क्या फलिफ का नून अलिफ नाम मीम नाम एज हजरते रत हजरत अलिफ मत आ मीम मुहे ना आमना ए बढ़िए है। और एंड पे हम लगाएंगे खत्मा। ठीक है, हजरत आमना है। सवाल नंबर हम लिखेंगे 5। सवाल नंबर 5 हमारे पास है, हमारे नबी के दादा का क्या नाम है। हे मिमल मारे बढ़िए रे हमारे 1 फिंगर गैप देके लिखेंगे तो राइटिंग आपकी नीट आएगी, जैसे मैं खुला खुला करके लिख रही हूँ। अच्छा अच्छा, आपने भी अपनी कॉपी पर ऐसे ही काम करना है। हमारे नबी क्या बढ़िए के दाल अलिफ दा दादा क्या फलिफ का क्या येल या क्या नून अलिफ नाम मीम नाम ए बढ़िए है और सवालिया निशान। जवाब में आप लिखेंगे ए मीम अलिफ मारे बढ़िए रे हमारे नून भी छोटिए बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बढ़िए के दाल दा दादा क्या फलिफ का नून अलिफ नाम मीम नाम एज हस रेते रत हजरत ऐन बे अब दाल लाम दुल मीम तो मुद लाम बे लिब अब्दुल मुतलिब ए बढ़िए है। और एंड पे लगाएंगे खत्मा। सवाल नंबर 6 हमारे पास है, ए मीम अलिफ मा ए मीम अलिफ मा रे बढ़िए रे हमारे नून बे छोटिए बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बढ़िए के चे चे चा चे अलिफ चा चचा क्या फलिफ का क्या ये अलिफ या क्या नून अलिफ नाम मीम नाम ए बढ़िए है। और हैंड पे सवालिया निशान।
जवाब लिखेंगे हम इसका, ए मिमलिफ मा रे पढ़िए रे हमारे नून बे छोटिए बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पढ़िए के चे चे चा चे अलिफ चा चा चा, क्या फलिफ का नून अलिफ ना मीम ना हेजवत हजरत रत हजरत अलिफ बे अब बे बाबू अबू तो अलिफ ता लाम बे लिफ तालिफ हे पढ़िए है और एंड पे लगाएंगे खत्मा हजरत अबू तालिब है जी। आज का ये जो हमारा काम था वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आपने इसको अपनी इस्लामियात की कॉपी पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास था, हमारे नबी की वालदा का क्या नाम है? उसका जवाब है, हमारे नबी की वालदा का नाम हज़रत आमना है। सवाल नंबर 5 हमारे पास है, हमारे नबी के दादा का क्या नाम है? हमारे नबी के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुतलिब है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 6 है, हमारे नबी के चचा का क्या नाम है? हमारे नबी के चचा का नाम हज़रत अबू तालिब है। आपने इसको अपनी कॉपी पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में राइट करना है और मुझे इसकी पिक भेजनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।